लवलीज, वेलकम बैक टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माय नेम इज संजना एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और अभी जस्ट मैं रिसीव किया आज ही सुबह में ये मार्स कुशन फाउंडेशन। तो ये सिमिलर है सुनीसा सीसी टीम के साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना वर्सेस कर लिया जाए कौन ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि जब मैंने सुनीसा का रिव्यू करा था ना, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया था और एक दो गलती कर दी थी जो मैं इस वीडियो में नहीं करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं दोनों का कंपैरिजन करने वाली हूँ। बट कंपैरिजन नहीं बनता है क्योंकि ये सीसी क्रीम है, ये फाउंडेशन है, फिर भी इनका जो ब्यूटी ब्लेंडर भी सेम है और पैकेजिंग वगैरह भी सेम है, तो मैंने सोचा क्यों ना वर्सेस कर लिया जाए। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपको भी जानना है कौन सा बेस्ट है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप मेरे फ्यूचर नोटिफिकेशन मिस ना कर सको और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द बैटल गाइस। As we can see guys, मैंने फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया है, जस्ट आईब्रो एंड मस्कारा अप्लाई किया है ताकि मैं थोड़ा ठीक ठाक क्यूट दिख सकूं। एनीवेज, तो अभी चलिए कंपैरिजन करते हैं बॉक्सेस का, इसका आउटर पैकेजिंग कैसा दिखने वाला है। तो फर्स्ट मैं अपना मार्स फाउंडेशन का मैं पैकेजिंग दिखा देती हूँ। तो गाइस ये रिटेल करता है 600, उनके वेबसाइट में अगर परचेस करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। सो दिस इज हाउ द आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक। उसका छोटा सा ही बॉक्स है, तो पैकेजिंग बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर का बॉक्स है और उसमें डिजाइन दिया गया है जो बहुत ही खूबसूरत दिखा रहा है इस आउटर पैकेजिंग को। अंदर आपको मिल जाता है एक क्यूट सा ब्यूटी ब्लेंडर का ये पाउच। लुक एट दिस क्यूट लिटिल पाउच, सो क्यूट यार। इसके अंदर आपको मिल जाता है ये ब्यूटी ब्लेंडर। सो दिस इज द मशरूम ब्यूटी ब्लेंडर, काफी सॉफ्ट है तो इसमें और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा ना इस तरीके के नेट वाले पाउच में सुखाना चाहिए, जल्दी से सूख जाता है आपका ब्यूटी ब्लेंडर। तो ये काफी कन्वीनियंट है, बाद में आप धो के अपना ब्यूटी ब्लेंडर इसके अंदर डाल के आप सुखा लो, आपका ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छे तरीके से सूख भी जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा उन्होंने दिया है इसके लिए। और अंदर आपको मिल जाता है आपका फाउंडेशन का ये टब। सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। स्क्वायर डिजाइन का बॉक्स है और इसमें जो डिजाइन दिया गया है ना, दिस इज रियली गुड। दिस इज 3D डिजाइनिंग, आप देख सकते हो 3D लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन है, मुझे काफी अच्छा लगा। तो ये तो मार्स का ये फाउंडेशन है। तो गाइस ये है सुनीसा का आउटर पैकेजिंग। जैसे कि मैंने बताया इसका बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है, आपके वैनिटी में थोड़ा जगह खाने वाला है, बट इसका जो पैकेजिंग है छोटा है, आपके वैनिटी में जगह खाने नहीं वाला है, बाद में इसको हम फेंकने ही वाले होते हैं। फिर भी कंपैरिजन करें तो इसका बॉक्स ज्यादा कन्वीनियंट है रखने के मामले में और इसका थोड़ा सा बड़ा है। तो गाइस इस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने फुल रिव्यू कर रखा है, ऊपर आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड बहुत सारे से कमेंट मिले जो इस वीडियो में मैं नहीं करने वाली हूँ और क्या नहीं करने वाली हूँ मैं आपको आगे बताऊंगी। दोनों का जो पैकेजिंग मैं बोलूँ ना, बहुत ही खूबसूरत है पैकेजिंग, मुझे काफी अच्छा लगा। इसका स्क्वायर है, इसका राउंड है, सर्कल है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड दोनों का जो पैकेजिंग मैं 10 out of 10 देना चाहूंगी, बहुत ही खूबसूरत सा बॉक्स है। और इसके साथ आपको मिल जाता है सेम मशरूम वाला ब्यूटी ब्लेंडर, तो इसके साथ आपको ये बॉक्स टाइप का मिल जाता है जिसमें आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर रख सकते हो, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। बट इसका मुझे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि सुखाने में दिक्कत होता है, तो ये इसके साथ ऑलरेडी मिल जाता है तो आराम से सुखा भी सकते हो। बट इसको भी आप ड्राई करने के बाद इसी के अंदर रख सकते हो ताकि आपका मशरूम ब्लेंडर है कहीं गुम ना हो जाए। तो ये दोनों ही अच्छे हैं, बट मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि सुखाने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है और रखने के लिए भी ये भी अच्छा ही है। मैं दिखा देती हूँ इसके अंदर कैसा प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट मैं सुनीसा का दिखा देती हूँ। आप इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको मिलता है आपका ये सीसी क्रीम लाइक दिस। इसके साथ आपको मिल जाता है आपका मिरर। मार्स का जो फाउंडेशन मैं दिखा देती हूँ, सेम ही है। इसके अंदर आपको मिल जाता है ये वाला, जिस तरीके का लुक सेम ही लुक है। दोनों का जो नेटवेट है ये भी 20 grams का है एंड ये वाला भी 20 grams का है। तो चलिए अभी मैं अपने फेस पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ, दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं। तो गाइस इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें बॉक्स में लिखा गया है इसमें स्किन एनहांसिंग एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी स्किन को फ्लॉलेस नरिश्ड एंड फ्रेश लुक देता है, मीडियम कवरेज देता है, बट ये बिल्डेबल है। फर्स्ट मैं अपने वेट टिश्यूज से अपने दोनों एरियाज को क्लीन कर लूंगी, उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी। तो हियर माय वेट टिश्यू, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। एंड अभी मेरा ये नया मेहमान आया है फेस पे, आई हेट दिस।
जब भी मुझे कुछ करना होता है तो ये आ जाते हैं, आपके साथ भी होता होगा। अच्छे से अपने फेस को मैं क्लीन कर लूंगी और मैं लगाऊंगी मेरा ये पॉन्ड्स का लाइट वेट मॉइस्चराइजर दोनों ही तरफ। मैंने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। कमेंट में आया था कि मैंने प्राइमर अप्लाई नहीं किया है, तो गाइस सीसी क्रीम के साथ कौन प्राइमर लगाता है, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया था। तो जो उस वीडियो को देख के इस वीडियो में आए हो तो उनको आंसर मिल गया होगा कि मैंने क्यों नहीं लगाया, फिर भी इस वीडियो में मैं लगा के दिखाती हूँ तो आपका भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये है सीसी क्रीम, ये फाउंडेशन, तो मुझे फाउंडेशन के लिए तो प्राइमर लगाना ही पड़ेगा, तो दोनों तरफ ही मैं लगा लेती हूँ। तो मैं लगाऊंगी मेरा फिटमी का ये मैट पोरलेस प्राइमर दोनों ही साइड। ओके, डन हो गया, मैंने प्राइमर लगा लिया, फेस को मॉइस्चराइज कर लिया। तो अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट। मुझे बहुत ज्यादा कमेंट में आया कि अपने ब्यूटी ब्लेंडर को तुम गीला क्यों नहीं कियो, लाइक मतलब इतना ज्यादा कमेंट आया। एंड यस, मैं एग्री करती हूँ, मैंने नहीं किया था। तो मेरे पास है पानी, ये पानी नहीं है पीने के लिए, ठीक है, देख सकते हो पानी ही है, ठीक है। मुझे ट्रांसपेरेंट वाला कोई बाउल नहीं मिला, तो ये पानी आप देख सकते हो गिर सकता है। ये सुनीसा वाला ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से गीला करूंगी, कर रही हूँ, देख सकते हो। और कितना गीला करूँ बताओ, तो ये थोड़ा सा यू नो इसका जो साइज इंक्रीज हो गया है। ये अच्छे से अभी गीला हो चुका है, तो अभी मैं अप्लाई करूंगी ये सुनीसा का फाउंडेशन मेरे राइट एरिया पे। तो इसको अच्छे से मैं डिप करूंगी, और अप्लाई करूंगी मेरे राइट साइड पे। देख सकते हो सेम ही इसका वर्क है, फेस को बस व्हाइट करता है। मैंने प्राइमर भी अप्लाई किया, फेस को मॉइस्चराइज किया, ब्यूटी ब्लेंडर को व्हाइट किया, तो यू कैन सी द रिजल्ट, ये अभी भी सेम ही है। और प्रॉब्लम क्या है कि मेरा स्किन टोन इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, विच इज बिग इशू, क्योंकि कोरियन प्रोडक्ट हमेशा व्हाइट कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि वो कोरियन ब्रांड है, कोरियन लोगों के लिए है, इंडियन लोगों के लिए नहीं है। फेयर स्किन टोन के लोग हैं उनके लिए अच्छा है, जो मेरे स्किन टोन के लोग हैं उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि ये व्हाइट कलर का दिख रहा है एंड मैं ज्यादा ग्रे दिख रही हूँ, और यू कैन सी द डिफरेंस। मेरे लेफ्ट साइड में लगाऊंगी मेरा ये मार्स कुशन फाउंडेशन। तो फर्स्ट मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करूंगी, तो मैंने पानी चेंज कर लिया क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतना गंदा था, तो मैंने पानी दूसरा लेके आई हूँ और इसको अच्छे से डिप करूंगी, अच्छे से मैं इसको निचोड़ दूंगी, डिप करूंगी। लेट्स अप्लाई। You can see the difference between CC cream and foundation. तो guys, CC cream बहुत ही light cream होता है, tinted cream होता है, जो आपके daily wear के लिए काम आता है। इन foundation आप daily use नहीं कर सकते हो, just makeup कर रहे हो तभी आप use कर सकते हो। This is foundation and this is CC cream. तो CC cream आप देख सकते हो बहुत ही light coverage दे रहा है, but उनका claim है कि पूरा आपके face को अलग ही कर देता है, जो वो नहीं करता है। प्रॉब्लम ये है कि ये आपके स्किन टोन के हिसाब से नहीं मिलता इसका शेड, और इसका शेड तो आई थिंक है ही नहीं, इसका शेड उन्होंने जैसे बताया है उनके वेबसाइट पे, क्योंकि इनका और ज़्यादा शेड वो लाएंगे बहुत ही जल्दी। उन्होंने 3 शेड अभी लॉन्च किया है और मैंने चूज़ किया है 03, उनका 1, 2, 3 शेड था, और 03 मुझे लगा कि आई थिंक ये थोड़ा डार्क है, क्योंकि
मेरा जो स्किन टोन है मेरा वार्म टोन है, तो इसीलिए मैंने यही चूज किया। और ये थोड़ा सा डार्कर लग रहा था, फिर भी ये मेरे फेस पे बहुत ज्यादा लाइट दिख रहा होगा, आप देख सकते हो। तो यही प्रॉब्लम है, कवरेज भी ठीक ठाक है एंड बहुत ही लाइट वेट है। और डेली वेयर के लिए ये कुशन फाउंडेशन आई थिंक अच्छा है, बेस्ट है। और मेरा जो प्रॉब्लमेटिक एरिया जो है वो दाग धब्बे, वो भी कवरेज अच्छा दे रहा है, बिल्डअप भी कर सकते हो। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा एंड मैं ज़रूर, अगर वो शेड लाते हैं इसका तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। सो दिस इज़ मी। आई होप कि वीडियो देखिए आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड अपना कमेंट देना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करना एंड फॉलो कर देना। एंड या आई विल बी बैक विद अनदर एक्साइटिंग रिव्यू वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कॉशियस एंड रिमेंबर आई लव यू गाइस सो मच। बाय।